हेलो सभी को जय हिंद नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रयास अकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। मित्रों जैसा कि आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ होगा तो मैथ का आज से यह बैच जो मैथ का सुपर बैच स्टार्ट होना था वह आज से बैच स्टार्ट हो रहा है। यह बैच जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है और बहुत हाईएस्ट लेवल तक जाएगा। इसमें एक एक शब्द पर एक एक पॉइंट पर आपका फोकस किया जाएगा, तो इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं जो मैथ पढ़ना चाहते हैं वह इस बैच को ज्वाइन अवश्य करें। और आप जानते हैं जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जो लगभग सभी परीक्षाओं में आता है, तो वह सभी विद्यार्थी इससे ज्वाइन हो सकते हैं, खासकर कमज़ोर छात्र अवश्य ज्वाइन हों। और इस बैच का जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपका यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और केवीएस। इन चार परीक्षाओं पर मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है इस बैच के आधार पर। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं जहां से भी अर्थमैटिक पूछी जाती है, जहां से प्रश्न बनते हैं इस मैथ से अर्थात अर्थमैटिक से, तो उन सभी विद्यार्थियों से कहना ये बैच अवश्य ज्वाइन करें। तो आइए शुरू करते हैं, अपने बैच पर चलते हैं। और आज का जो आप जानते हैं कि जो मैथ है, मैथ के महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, जो मूल जड़ है, वह है नंबर सिस्टम। तो आज नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जानते हैं आप कि नंबर सिस्टम एक इतना महत्वपूर्ण चैप्टर जो मैथ को पढ़ने से सबसे पहले फोकस करना चाहिए आपको नंबर सिस्टम पर, क्योंकि संख्याएं जब ज्ञात होंगी तो उन्हीं के आधार पर आप उनकी गणनाओं को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धत। तो क्या होती हैं संख्याएँ, कितने प्रकार की होती हैं संख्याएँ, संख्याओं से कहां कहां से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, उन सभी पर एक चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो आप देखें और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आइए सबसे पहला मेरा चैप्टर है वह है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। अब जानते हैं क्या हैं संख्याएं, तो आप सभी को ज्ञात होगा कॉमन चीज़ें, क्योंकि संख्याएं क्या होती हैं, जो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये सभी संख्याएं होती हैं। तो उन संख्याओं को किस प्रकार विभाजित किया गया है, किस प्रकार प्रश्न बनते हैं, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है संख्या अर्थात या संख्याएँ। तो क्या हैं संख्याएँ, तो आपको पता है एक दो तीन चार पाँच छः सात ये सभी संख्याएँ हैं। अब संख्याओं को मुख्य रूप से कितने प्रकार डिवाइड किया गया है, तो मुख्य रूप से इनको दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहली आपकी होती है प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, या इन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और दूसरी होती हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, जिनको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर्स। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो प्राकृत संख्याएं जैसे कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ये सभी आपकी प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो इसमें आप जानते हैं कि मुख्य रूप से जो संख्याएं होती हैं वह जीरो से लेकर के नौ तक होती हैं। जीरो से नौ तक मुख्य दस अंक होते हैं। इन्हीं दस अंकों की सहायता से बहुत बड़े बड़े यानी सौ हज़ार दस हज़ार लाख करोड़ों में संख्याएं जो बनाई जाती हैं, इन्हीं दस अंकों की सहायता से सभी अंकों को तैयार किया जाता है। तो ये होती हैं प्राकृत संख्याएँ। लेकिन जीरो की पहले खोज नहीं हुई थी, तो यहाँ पर अर्थात आप जान रहे हैं एक से नौ तक संख्याएं लिखी हैं, यहाँ पर किसी संख्या की कमी है वह है जीरो। तो जीरो की खोज बाद में हुई, तो इसे जोड़ दिया गया। जोड़ने पर पहले इसे प्राकृत संख्याओं के नाम से जानते थे, जब इसमें जीरो जोड़ दिया गया तो इनको हम यानी संख्याएँ पूरी हो गई, तो इनको हम पूरी का मतलब पूर्ण संख्याएँ कहते हैं। यानी जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और आगे इन्हीं अंकों से मिल करके आगे संख्याएं तैयार की जाती हैं जो बड़ी बड़ी संख्याएं बनती हैं। तो पूर्ण संख्याएं यानी जब जीरो मिल जाएगा
जब जीरो ऐड कर दिया गया तो संख्याएं कैसी बनी, तो पूर्ण हो गई, तो यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याओं में आपकी ये 1 से 9 तक आ जाती हैं। अगर प्रश्न यहीं पे बना दिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो बहुत लोग 0 कर देंगे, लेकिन 0 नहीं होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपकी 1 है। और पूर्ण संख्या में अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वह 0 होगी। अब इसके बाद अगर कह दिया जाए सबसे बड़ी की बात की जाए, तो बड़ी संख्याएं बहुत बनाई जा सकती हैं, मुख्य रूप से इन यानी 10 अंकों से मिलकर के बहुत संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इसलिए बड़ी संख्या की बात नहीं की जा सकती है, वो इनफिनाइट में आ जाएगा। अब आती है, हम लोग जो वर्तमान में पढ़ते हैं वो हम लोग पूर्ण संख्याएं ही पढ़ते हैं। जितने संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, संख्याएं पढ़ेंगे, वह सभी आप पूर्ण संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण पढ़ते हैं, ना कि प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत। क्योंकि आपको पता है पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं आ जाती हैं और प्लस 0 भी आ जाता है, जबकि प्राकृत संख्याओं में केवल 1 से 9 तक अंक आते हैं और बाकी बात 0 नहीं आता है। इसलिए पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं आ जाती हैं, लेकिन प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं नहीं आती हैं। तो इसलिए हम लोग जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वो पूर्ण संख्याओं का पढ़ते हैं। तो आइए पूर्ण संख्याओं के क्लासिफिकेशन में चलते हैं कि पूर्ण संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं को इस साइड में मुख्य रूप से देखते हैं यहीं पर कि मुख्य रूप से पूर्ण संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी 2 प्रकार की होती हैं? तो सबसे पहले सम संख्याएं, सम संख्याएं जिनको कहते हैं इंग्लिश में इवन नंबर्स, और दूसरी होती हैं विषम संख्याएं जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। अब सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, उम्मीद है सभी को ज्ञात होगा। सम संख्याएं 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, तो सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि बात की जाए यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं क्या, सम संख्याएं, क्योंकि ये सभी 2 से विभाजित हो जाएंगे, 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इन संख्याओं को कहते हैं सम संख्याएं। लेकिन यदि यहीं पे बात कर दी जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या यहाँ पर आप सोच रहे होंगे 2 होगी, लेकिन 2 नहीं होती है, सबसे छोटी सम संख्या आपकी 0 होती है। ऐसा क्यों, ऐसा इस आधार पर चला जाता है, जब यदि आप कई डिजिटों से मिला करके कोई एक संख्या बनाए, अगर उस संख्या में पूछ दिया जाए कि सम संख्या कौन सी है, तो आप क्या करेंगे, जैसे कोई अधिक अंक यानी ज़्यादा अंक मिला करके बना दी जाए कोई संख्या, जैसे बना दी जाए 2, 4, 6, 8, 0 और कह दिया जाए कि यह संख्या कैसी है, यह सम है या विषम है, तो सम संख्या की पहचान आपकी क्या होनी चाहिए, आप इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई का अंक आपका 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, तो आपकी संख्या जो बड़ी से कितनी भी बड़ी संख्या हो बनने वाली, वह बड़ी संख्या कैसी होगी, सम संख्या होगी। अर्थात आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी भी बड़ी संख्या उसका इकाई का अंक देखें, इकाई का अंक अगर 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, इन अगर 4-5 अंकों में कोई एक अंक इकाई के स्थान पर आपको मिल जाता, तो वह कितनी भी बड़ी संख्या हो वह कैसी होगी, सम संख्या होगी। तो क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे अगर 10 देखें, 12 देखें, 14 देखें, तो 10 में आप देख रहे हैं इकाई के स्थान पर 0 है, 12 में इकाई के अंक पर 2 है, और आप 14 के स्थान पर इकाई के अंक पर 4 है, तो यही आपको अंक दिखेंगे। इकाई का अंक देखें 0, 2, 4, 6, 8 अगर दिखेगा, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या आपकी सम संख्या होगी। तो इस आधार पर सम संख्या का सबसे छोटी सम संख्या अगर बात करें तो कौन सी है, 0 मानी जाती है। इस प्रकार आप इसमें देखते हैं। अब आते हैं विषम संख्याओं में, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हों,
दो से विभाजित ना हो उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आपका एक हो गया, तीन हो गया, अब इसके अतिरिक्त जो छूटेंगे अंक वही आपके विषम संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। एक हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया, आपका नौ हो गया, आपका ग्यारह हो गया, तेरह हो गया, आपका सत्रह हो गया। तो ये सभी कैसी संख्याएं हैं? ये सभी आपकी विषम संख्याएं हैं, अर्थात दो से जो विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं या ऑड नंबर कहते हैं। एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह, तेरह, सत्रह, ये सभी आपकी कैसी हैं? तो ये हैं आपकी विषम संख्याएं। अगर प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम संख्या आपकी प्रश्न आएगा एक। यदि बात की जाए कि सबसे बड़ी विषम संख्या, तो बड़ी तो बहुत सी बड़ी बनाई जा सकती है, इसलिए इनफिनाइट हो जाएगा, सबसे बड़ी ज्ञात नहीं की जा सकती है, वह कितनी भी बड़ी बनाई जा सकती है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, और भी इनके क्लासिफिकेशन हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी देख रहे हैं सभी क्लासिफिकेशन किसके आधार पर कर रहे हैं? पूर्ण संख्याओं के आधार पर ही हम लोग विभाजन इनका पढ़ते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत ही हम लोग विभाजन पढ़ते हैं, पूर्ण संख्याओं का ही विभाजन करते हैं संख्याएं। तो अभी आपने देखा सम संख्याएं, विषम संख्याएं। अब दो प्रकार फिर देखते हैं, इसके मुख्य रूप से दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक आपकी होती हैं भाज्य संख्याएँ, भाज्य संख्याएं, या इन्हीं को कहते हैं संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्याएं इन्हीं को कहा जाता है, या इन्हीं को कहते हैं यौगिक संख्याएं भी, इन्हीं को कहते हैं यौगिक संख्याएं। इंग्लिश में इनको कहा जाता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और दूसरी होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, जिसको कहते हैं असंयुक्त संख्याएं, असंयुक्त संख्याएं, या इनको रूढ़ कहते हैं, इनको यौगिक कहते हैं, इनको रूढ़ संख्याओं भी कहते हैं, रूढ़ संख्याएं भी इन्हीं को कहते हैं। इंग्लिश में इनको प्राइम नंबर बोला जाता है, प्राइम नंबर्स आपका कहते हैं। अब आते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो देखें, ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त, एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उनको क्या कहते हैं? उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अर्थात एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य नंबर से विभाजित होगी तो उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहेंगे, या उन्हीं को संयुक्त संख्याएं कहेंगे, या उन्हीं को यौगिक संख्याएं कहेंगे। ठीक, जैसे कि आपकी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इत्यादि, ये सभी आपकी कैसी हैं? तो ये सब भाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि एक व स्वयं के अतिरिक्त भी ये विभाजित हो जाती हैं। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे, हो सकता है कि दो यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, तो दो आपकी भाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। कारण है उसका, क्योंकि यह एक से विभाजित, एक से तो सभी विभाजित होती हैं, उसके अलावा यह दो से विभाजित होती है, लेकिन यह दो स्वयं है, इसलिए इसको भाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इत्यादि जितनी भी, यानी एक और स्वयं के अतिरिक्त। जैसे यहाँ पे बात करें 4 की, तो 4 एक और 4 स्वयं है, इसके अतिरिक्त यह दो से विभाजित हो रही है। 6 की बात की जाए तो एक और 6 के अतिरिक्त यह दो से विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित हो रही है। 8 की बात की जाए तो एक और 8 के अतिरिक्त यह दो से विभाजित हो रही है और 4 से भी विभाजित हो रही है। इसलिए इन संख्याओं को कहते हैं क्या? भाज्य संख्या कहते हैं। अब आती है बात सबसे छोटी, अगर प्रश्न आ जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है,
तो वह चार आंसर होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी चार होगी। अब यहीं पे कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिस जो दो ऑप्शन में दो दे रखा होगा, दो टिक कर देंगे, लेकिन ये आपका गलत है, दो भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण मैंने बताया आपको। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए तो वह कौन सी है, चार है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अगर नेक्स्ट बात की जाए कि भाज्य संख्या के अंतर्गत आप यानी पहचान कैसे करेंगे कि भाज्य संख्या, तो हमने बता दिया है कि एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी की भी संख्याएं हों, सबसे और आपकी सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या चार है। सबसे बड़ी की यदि बात की जाए तो बड़ी नहीं बताई जा सकती है। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी कितनी भी बड़ी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इसलिए सबसे बड़ी भाज्य संख्या नहीं बताई जा सकती, वह इनफिनाइट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं आप अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो बस बिल्कुल इसी का जस्ट अपोजिट हो गया, एक और स्वयं के अतिरिक्त विभाजित किसी अन्य संख्या से विभाजित होंगी तो वह भाज्य होंगी, और अतिरिक्त संख्या से ना विभाजित होकर के केवल एक और स्वयं से अगर विभाजित होगी, केवल एक और स्वयं से केवल विभाजित होगी, ऐसी सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात जो संख्याएं एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो ऐसी सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अर्थात एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से विभाजित ना हो तो उन्हें क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे कि 2, 3, 5, 7 आपका 11 आपका 13, 17, 19, 23 ये सभी आपकी कैसी हैं, तो ये सभी आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्योंकि जैसे यदि बात की जाए दो, तो दो या तो दो से विभाजित होगी या एक से विभाजित होगी, इसके अतिरिक्त किसी अंक से विभाजित नहीं होगी। तीन की बात की जाए तो तीन या तो तीन स्वयं से विभाजित होगी या एक से विभाजित होगी, इसके अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होगी। यदि बात की जाए सात की या ग्यारह की, तेरह की बात की जाए अगर, तो एक से विभाजित होगी और 13 स्वयं से विभाजित होगी, इसके अतिरिक्त किसी अंक से विभाजित नहीं होगी। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न आ जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वह है आपकी कितनी, दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वह है आपकी दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो है। अब बहुत से विद्यार्थी के दिमाग में ये आ रहा होगा एक भी तो हो सकती है, तो एक ना तो भाज्य के अंतर्गत रखी गई है और ना ही अभाज्य के अंतर्गत संख्या रखी गई है। यह विशेष पॉइंट को ध्यान रखें दिमाग में। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो है। अगर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो आप इसमें भी इनफिनाइट करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं बताई जा सकती है, वह बहुत बड़ी बनाई जा सकती है। तो ये है आपको प्रश्न, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आते हैं और भी, जैसे यहाँ भाज्य और अभाज्य से एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, अधिकांश प्रश्न आ जाता है, कह दिया जाता है कि 1 से 100 के मध्य में कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं। ये प्रश्न बहुत कई बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, 1 से 100 तक, 100 के मध्य में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको पता होगा 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के मध्य में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 के मध्य में। अब 25 अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका मतलब 25 अभाज्य हैं, तो बाकी बात कौन सी होंगी, तो भाज्य होंगी। आपको यही दिमाग में आया होगा कि 25 अगर अभाज्य हैं तो यानी 25 अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 1 से 100 के मध्य 25 अभाज्य हैं। कैसी हैं, अभाज्य हैं, तो 25 अभाज्य हो गई, तो बाकी बात कितनी बची, 75। और 75 बची तो आप सोच रहे होंगे 75 भाज्य संख्याएं होंगी, तो यहाँ पे भी एक प्रश्न यही बनता है कि
भाज्य संख्याएं कितनी है तो दिमाग में आपके 25 के अलावा 75 आएगा, लेकिन 75 नहीं होता है, 74 होता है। यानी भाज्य संख्याएं आपकी 74 होती हैं, अभाज्य संख्याएं आपकी 25 होती हैं। अब ऐसा क्यों? तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया है कि एक जो है, एक ना तो भाज्य में रखा जाता है और ना ही अभाज्य में रखा जाता है। इसलिए यहाँ पे प्रश्न को विशेष तौर पर ध्यान दें कि प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाता है। अब आते हैं यहीं पे, एक और प्रश्न बन जाता है, कभी कभी कह देता है कि 20 से और 50 के मध्य में कितनी भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य या अभाज्य कुछ भी पूछा जा सकता है, अधिकांश अभाज्य ही पूछा जाता है। तो अभाज्य संख्या यानी 20 से 50 के मध्य में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या यह प्रश्न पूछ देता है कि 50 से या 51 से लेकर के 100 के मध्य में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 100 तक 25 होती हैं। अब 1 से 10 तक प्रत्येक 10 टर्न के मध्य में हम आपको बताते हैं। तो एक आप मोबाइल नंबर याद कर लीजिए, मान लीजिए कि एक मोबाइल नंबर आप अपने बहुत प्रिय मित्र का या प्रिय किसी विशेष व्यक्ति का आप नंबर याद कर रखे हैं, वह क्या है? तो वह है 44 22 23 21। यह आप एक फ़ोन नंबर के टाइप से तैयार कर लीजिएगा। कितना है आपका? तो आप एक मोबाइल नंबर के तरह से तैयार कर लीजिए 44 22 23 21। इसका अर्थ यह है कि 1 से 10 के मध्य में आपकी 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 11 से 20 के मध्य में आपकी फिर पुनः 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद 21 से 30 के मध्य में आपकी 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर उसके बाद में आपका 31 से 40 के मध्य में आपकी फिर पुनः 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद 41 से 50 के मध्य में आपकी 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर उसके बाद में आपका 51 से लेकर के और 60 तक के मध्य में 51 से लेकर के 60 के मध्य में 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार 10-10 के अंतर में ये आप एक मोबाइल नंबर टाइप से मैंने बता दिया है, आप इसको तैयार रखें क्योंकि यह परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। आप जैसे कई मोबाइल नंबर याद रख पाते हैं, तो वही 10 अंक का यह मोबाइल नंबर है। तो 10-10 खंड में विभाजित कर दिया है मैंने, और इसको आपको बता दिया 44 22 23 21। ये किसी का फ़ोन नंबर है, अर्थात इसका मतलब अब ये समझेंगे 10-10 खंडों में डिवाइड है, वही इस प्रकार डिवाइडेशन है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो यह मुख्य रूप से है, यानी 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, तो 25 हैं। यदि पूछा जाए भाज्य संख्याएं कितनी 1 से 100 तक, तो 74 रहेंगी। उसके बाद में यदि पूछा जाए कि बीच में अगर किसी का पूछ दिया जाए कि 1 से 50 के मध्य में कितनी है, तो 1 से 50 के मध्य में आप देख लीजिएगा, इधर 50 तक है, 1 से 50 तक, तो ये इतनी जोड़ लीजिएगा, ठीक है। ये अपनी काउंट करेंगे तो 3 2 5 5 2 7 7 और 4 आपके 11 11 4 15, टोटल कितनी है? 15 हैं। बाकी 51 से लेकर के 100 तक आपकी बचेंगी कितनी? तो 15 बचेंगी। इस प्रकार से आप प्रश्न तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बस आगे देखते हैं। आइए और कुछ प्रश्न देखते हैं इन भाज्य और अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत और भी कई प्रश्न बनते हैं। तो वह जैसे कि पहला प्रश्न बनता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी, ध्यान देना, सबसे छोटी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। सम में आपने देखा था 2 4 6 8 10, और कैसी? अभाज्य। तो सबसे छोटी भी है, ये सम भी है और अभाज्य भी है, क्योंकि अभाज्य के अंतर्गत इसको रखा गया, तो इसका आंसर यह हो जाएगा। यदि आपका पूछ दिया जाए सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, प्रश्न को पूछने के तरीके पे आपको निर्भर रहना होगा। सबसे छोटी सम
और भाज्य संख्या अगर लिख दिया जाए, अभाज्य की जगह केवल आ का अंतर है, भाज्य संख्या है, अगर ये प्रश्न आ जाता है सबसे छोटी सम और भाज्य कैसी होनी चाहिए, भाज्य, तो आपको पता है कौन सा आंसर आ जाएगा, चार, क्योंकि चार छः आठ दस बारह ये था, तो सबसे छोटी है कैसी है, भाज्य में सबसे छोटी है और सम है और कैसी है भाज्य संख्या, तो इसलिए आंसर आपका चार हो जाएगा। इसी प्रकार सबसे छोटी और विषम अभाज्य संख्या, अगर यही प्रश्न चेंज कर दिया जाएगा, सबसे छोटी और सम की जगह अगर आपका कर दिया जाए विषम अभाज्य संख्या, विषम होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए, तो अभाज्य में अब आपका ये दो नहीं आएगा क्योंकि दो आप जानते हैं सम में आ जाता है, तो दो की जगह अब क्या आंसर हो जाएगा, तीन हो जाएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य, तो आपका आंसर होना चाहिए कितना, तीन। यदि यही प्रश्न उसी प्रकार और पलट कर रख दिया जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे सॉरी विषम है, यहाँ पर विषम कर दिया जाएगा, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य ये वही हो जाएगा मित्रों, यहाँ पे आ हटा देंगे भाज्य संख्या। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, तो भाज्य होनी चाहिए। अब आप समझिएगा यहाँ पर प्रश्न पूछने का तरीका, सबसे छोटी होनी चाहिए और कैसी चाहिए, होनी चाहिए विषम होनी चाहिए और भाज्य होनी चाहिए, तो भाज्य में आपका जानते हैं दो चार सॉरी भाज्य में चार छः आठ आपका नौ भी आता है दस भी आता है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, नौ आ जाएगा, यह भाज्य है अर्थात एक और नौ के अतिरिक्त यह तीन से विभाजित होती है, तो यह भाज्य के अंतर्गत नौ आती है और यह विषम के अंतर्गत आती है और सबसे छोटी के अंतर्गत आएगी, तो सबसे छोटी विषम और भाज्य संख्या कौन सी आंसर आ जाएगा, तो नौ हो जाएगा। तो इस प्रकार आप प्रश्न पर विशेष फोकस करेंगे कि प्रश्न कहाँ पर किस प्रकार दिया जा रहा है, प्रश्न के आधार पर चलेंगे तो आप बहुत आसानी से अपने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे और चलते हैं इनके वर्गीकरण के अंतर्गत। नेक्स्ट वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं तो फिर पुनः दो प्रकार से विभाजित कर दिया गया है। अब की बार कौन कौन दो प्रकार से विभाजित किया गया है, तो आप जानते हैं जुड़वां अभाज्य संख्याएं, ये आपकी अभाज्य को ही डिवाइड किया गया है, यहाँ पूर्ण की जगह आप अभाज्य संख्याएं लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याएं, यहाँ पे अभाज्य संख्याएं कह सकते हैं, जुड़वां अभाज्य संख्याएं, जुड़वां अभाज्य संख्याएं या इन्हीं को कहते हैं ट्विन नंबर, इंग्लिश में इनको कहते हैं ट्विन नंबर्स, जुड़वां अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट है आपका सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं इसमें कहा जाता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, तो सह अभाज्य और जुड़वां अभाज्य, जुड़वां अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो जुड़वां का मतलब आप जानते हैं पेयर, मतलब कपल, पेयर का मतलब जोड़ा, जोड़ा में कितने लोग होते हैं, दो, तो दो यानी अंतर उनमें किसका होता है, केवल दो का, यानी ऐसी संख्याएं जिन जो अभाज्य हों, जो कैसी हों, अभाज्य हों तथा बीच में बीच का अंतर कैसा हो, दो हो, यानी बीच का अंतर दो हो और अभाज्य हों, उनको हम कहते हैं जुड़वां अभाज्य संख्याएं। जुड़वां का मतलब दो का अंतर यानी जोड़ा,
और अभाज्य होनी चाहिए उनको कहते हैं जुड़वां अभाज्य संख्या। जैसे कि आपकी याद आती है तीन और पाँच, तीन और पाँच देखें, तीन और पाँच के मध्य में जो अंतर है वह दो का अंतर है और दोनों कैसी हैं, अभाज्य हैं। उसके बाद में आपकी याद आती है पाँच और सात, पाँच और सात को देखें तो जिनके मध्य में दो का अंतर है दोनों कैसी हैं, अभाज्य संख्याएँ। उसके बाद में आपकी आ जाती हैं नौ और ग्यारह, तो नौ और ग्यारह के अंतर्गत देखें ये अभाज्य हैं और इनके बीच का अंतर अगर चेक करो तो कितना है, दो है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं या ट्विन नंबर्स कहा जाता है। अब आते हैं सह अभाज्य के अंतर्गत। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्याओं में एक पॉइंट है आपका एच सी एफ, अर्थात जो महत्तम यानी मासा महत्तम समापवर्तक होना चाहिए वह आपका एक होना चाहिए। महत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। और वह कैसी हो, तो वह आपस में भाज्य नहीं होनी चाहिए। ऐसी संख्याओं को कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे कि बात की जाए चार और पाँच, इसमें बीच का अंतर नहीं चेक किया जाता, चार और पाँच ये भी आपकी कैसी है, सह अभाज्य संख्या है। यदि आपकी दो व तीन की बात की जाए तो यह भी सह अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद में आपकी चार और पाँच की बात की जाए, यह भी सॉरी चार और पाँच तो लिख दिया है मैंने, आपकी यानी नौ और ग्यारह की बात की जाए तो यह भी आपकी कैसी है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर में आपका एच सी एफ, यदि इन दोनों का एल सी आप मासा निकालें तो इसका मासा आपका एक निकल के आएगा, इसका मासा आप निकालेंगे तो एक निकल के आएगा, इसका मासा निकालेंगे एक निकल के आएगा और बीच के अंतर को चेक नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी कैसी हो गई, सह अभाज्य संख्याएँ हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ जो जुड़वां संख्याएँ हैं, जुड़वां सभी संख्याएं आपकी सह अभाज्य हो सकती हैं लेकिन सभी सह अभाज्य जुड़वां अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती हैं। अर्थात सभी जुड़वां अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं लेकिन सभी सह अभाज्य संख्याएं जुड़वां अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ये पहला पॉइंट है आपका, सभी जुड़वां संख्या सह अभाज्य हो सकती है, सह अभाज्य हो सकती है लेकिन सभी सह अभाज्य जुड़वां नहीं हो सकती है। दूसरा पॉइंट आप क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं सह अभाज्य होती हैं, सह अभाज्य होती हैं। यानी कोई भी क्रमागत संख्या ले लो, दो तीन ले लो, चार पाँच ले लो, पाँच छः ले लो, छः सात ले लो, क्रमागत संख्याएं जो होती हैं वह आपकी कैसी होती हैं, हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। और भी आगे हैं, आइए और विभाजन देखते हैं इन संख्याओं के। नेक्स्ट है आपकी क्या पूछी जाती है, रामानुजन संख्या क्या होती है। रामानुजन संख्या इंग्लिश में भी इसी को लिखा जाता है, रामानुजन नंबर। तो किन्हीं भी दो, कोई भी दो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग यदि आपका 1729 हो, यानी कोई भी दो प्राकृत संख्याएं हो उनके घनों का यदि योग 1729 प्राप्त होता है तो वो संख्याएं आपकी रामानुजन संख्या कहलाती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, जैसे कि बात की जाए 12 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, यदि इनका कैलकुलेशन करिए तो 12 बाराम 144 करेंगे 848 आपका 8 आ जाएगा और टोटल 1244 आपका आ जाएगा 1728 आ जाएगा। एक का आप यानी घन करेंगे तो एक कम एक आ जाएगा तो 1728 और प्लस एक अगर टोटल ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1729। तो ऐसी जो संख्याएं हैं ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, रामानुजन संख्या कहते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है 10 की पावर 3 और प्लस आपका
10 की पावर 3 और प्लस 9 की पावर 3, 10 की पावर 3 और 9 की पावर 3, अगर इनके घनों का कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे तो एडिशन आपका आज आ जाएगा कितना, 1729। तो ऐसी संख्याओं को रामानुजन संख्या कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और पूछी जाती है, नेक्स्ट है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्याओं की अगर बात की जाए तो परिमेय संख्याएं आपकी क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, के रूप में लिखा जाए तथा क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यू की वैल्यू कैसी नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं क्या? परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए कोई भी परिमेय संख्या, जैसे अगर दो की बात की जाए, दो परिमेय संख्या है, दो के पावर जो कुछ नहीं तो एक माना जाता है, इसको लिख सकते हैं। यदि आपकी बात की जाए सात की बात की जाए, सात में जब कुछ नहीं है तो इसे एक लिखा जा सकता है। उसके बाद में आपका जैसे कि 4/9 इसे लिखा जा सकता है, यह भी आपकी कैसी है, तो परिमेय संख्या है। उसके बाद यदि बात की जाए पाई की बात की जाए, यह प्रश्न बहुत बनता है, पाई कैसी है? तो पाई परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं पाई को 1/ के रूप में इसे लिखा नहीं जा सकता है, यानी इसको भिन्न के रूप में इस प्रकार पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसलिए पी कैसी है? तो परिमेय नहीं है, अर्थात परिमेय नहीं है तो कैसी है? तो अपरिमेय है। यह कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सी? पाई। लेकिन इसका जो मान होता है 22/7, जब इस रूप में यह रहती है तो यही कैसी होती है? परिमेय संख्या आपकी हो जाती है। उसके बाद में आपका √4, यह भी परिमेय संख्या है। √4 इसको भी परिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाएगा। आपका √25 यह भी परिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाएगा। आपकी माइनस वाली संख्याएं भी परिमेय के अंतर्गत आ जाती हैं, जैसे कि -3 या -2, ये सभी आपकी कैसे हैं? तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, अर्थात वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और क्यू एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे ये भी लिख दें कैसी संख्या होनी चाहिए, तो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो आप जानते हैं माइनस में या प्लस में और जीरो, माइनस वाली संख्याएं यानी ऋणात्मक संख्याएं और प्लस वाली संख्याएं और जीरो, ये तीनों का जो सम्मिलित रूप होता है इन सभी को क्या कहते हैं? तो इन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि आपको परिमेय संख्या भी समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जितनी भी संख्याएं थी लगभग मैंने आपको सभी संख्याओं से परिचित करवाया। अब आगे हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, और इसके अलावा भी इसमें अभी विभाज्यता का नियम है, विभाज्यता के नियम को शो करेंगे, स्थानीय मान, उसके बाद में आपके यानी अंकित मान, और इन सभी पर पूरी चर्चा होगी और इनके प्रश्न भी करवाते रहेंगे। तो बारी बारी से आपका सिलेबस अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो जितने भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि इसी प्रकार आगे आने वाले वीडियो सभी आपको प्राप्त हो सके। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।